हाँ तो गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के ट्यूटोरियल में। मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पत्थर पे कार्टून वाला नेम वाला वीडियो देखा ही, अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो सिर्फ एक ही क्लिक में बना सकते हो। इसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधा वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिगर मत जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो के ट्यूटोरियल डालता रहता हूँ। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये वाली वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले इमेज को जनरेट करना है, और इमेज को जनरेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से बिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप बिंग एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको कोने में ऐप्स वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना एक अकाउंट बना लेना है, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही बना रखा है। अब आपको नीचे इमेज क्रिएट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि आपको ये वाला प्रॉम्प्ट कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए मैं प्रॉम्प्ट को डाल देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है। अब आपको यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर मेरा नाम लिख रहा है आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, नहीं तो आप जिस भी नेम के लिए यहाँ पर बनाना चाहते हो आपको वही नाम डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, और आपको सीधा क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है और आपके यहाँ पर इमेज बनकर रेडी हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी कितनी प्यारी इमेज बन चुकी है। अगर आपको इनमें से कोई भी इमेज पसंद नहीं आए तो आप दोबारा क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इमेज को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। जो भी आपको इमेज अच्छी लगे उसी इमेज पर सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आपको 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। तो चलिए यहाँ पर मैंने इमेज को डाउनलोड कर लिया है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप VN एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट करके अभी जो फोटो को डाउनलोड करा है उसी फोटो को सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले आपको इसके साइज़ को चेंज कर लेना है। साइज़ को चेंज करने के लिए आपको ऊपर ओरिजिनल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और इसके साइज़ को 9x16 में कर लेना है। अब आपको वीडियो के एंड में आ जाना है, और इस वाटरमार्क को यहाँ से डिलीट कर देना है, और वीडियो की लेंथ को आपको 10 सेकेंड कर लेना है। तो चलिए मैंने इसकी लेंथ को 10 सेकेंड कर लिया है। अब आपको एक बार अपने फ़ोटो पर क्लिक करना है, और अपने दोनों फिंगर से अपने फ़ोटो को पहले जितना कर लेना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे आपको बीजी का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको इमेज वाले पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी वीडियो के पीछे ब्लर हो जाएगा। आप इस ब्लर को एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए मैं इतना ब्लर रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद अगर आप इसमें बॉर्डर भी देना चाहते हो तो आपको बीजी के साइड में बॉर्डर का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, और इसमें जिस भी कलर का बॉर्डर देना है आप उसी कलर को सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं इसमें ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ। अब आपको यहाँ से राइट कर देना है, और इस वीडियो को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए हमारी यहाँ पर वीडियो बन चुकी है। अब आपको यहाँ से डन कर देना, और आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इस वाले VPN को कनेक्ट कर लेना है। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। VPN को कनेक्ट करने के बाद आपको यहां से बैक आ जाना है, और आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप सीधा कैपकट के अंदर आ जाओगे। अगर आपके पास कैपकट का प्रो वर्जन नहीं है तो आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन करा हुआ मिल जाएगा। आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे यूज टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यूज टेम्पलेट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, और आपने अभी जो वीडियो को डाउनलोड करा था उसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप वीडियो को ऐड करोगे तो आपकी वीडियो यहाँ पर इफेक्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है, और आपकी वीडियो यहाँ पर इफेक्ट लग जाएगा। तो देखिए हमारी वीडियो यहाँ पर इफेक्ट लग चुका है। अब आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।
तो देखिए हमारे यहाँ पर वीडियो डाउनलोड हो गई है। अब आपको यहाँ से डन कर देना है और आपको यहाँ से बैक कर देना है। जैसे ही आप बैक करोगे तो आप सीधा कैपकट के अंदर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट कर लेना है और अभी जो वीडियो को एक्सपोर्ट करा है उसी वीडियो को दोबारा ऐड कर लेना। तो देखिए हमारे यहाँ पर वीडियो आ चुकी है। अगर आप इसमें मेरा वाला म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी वीडियो का म्यूजिक को म्यूट कर लेना है। वीडियो के म्यूजिक को म्यूट करने के लिए आपको यहाँ पर म्यूट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से ओवरले वाले पर क्लिक करके ऐड ओवरले करके अपनी गैलरी में से मेरी वाली वीडियो को ऐड कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी वाली वीडियो आ चुकी है। अब आपको इसके म्यूजिक को अलग कर लेना है। म्यूजिक को अलग करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको एस्टेट ऑडियो को जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। इससे आपको मेरी वाली वीडियो का म्यूजिक जो है अलग हो जाएगा और मेरी वाली वीडियो को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपको वीडियो के जहाँ तक म्यूजिक है वहाँ तक आ जाना है और आपको अपनी वाली वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से इसमें स्प्लिट दे देना है और इस एक्स्ट्रा वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो देखिए आपके यहाँ पर वीडियो बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको एक बार इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पर कितनी प्यारी वीडियो बन चुकी है। अब आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है और इंस्टाग्राम पर डालकर अपनी वीडियो को जल्दी से वायरल कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में ये वाली रील बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से सीख गए होगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको एक और न्यू ट्रेंडिंग वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।